अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अंबर मलिक फ्रॉम कोयटा रियल स्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन फेज 8 सफारी वैली उस्मान ब्लॉक में एक साथ मलिक के घर के बाहर जो कि डबल स्टोरी है। आए आपको इस घर का विजिट कराते हैं। बात की जाए तो इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जहाँ पर तमाम जिंदगी की जरूरियात आपको मैसर है। अगर यहाँ पर बात की जाए हॉस्पिटल की, तो जो कि 7 से 8 मिनट की ड्राइव पर है, और स्कूल्स वगैरह की बात की जाए तो जो 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर आता है डॉल्फिन चौक पे, और इसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल हब वगैरह भी बहुत ही नियर अबाउट है, या यूँ कह सकते हैं 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर। तो चलते हैं मज़ीद घर के अंदर और दिखाते हैं आपको कि कितने बेडरूम है, कितना ड्राइंग रूम है और क्या है। चले मेरे साथ। अब मैं ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम के साथ साथ अगर टीवी लॉन्च की बात की जाए तो टीवी लॉन्च बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। सबसे ज़्यादा खास बात अगर इसकी की जाए तो यहाँ पर आप इस साइड पर देख सकते हैं एक खूबसूरत सी मीडिया वॉल है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और अगर मास्टर बेडरूम की बात की जाए तो इसमें 2 बेडरूम हैं, तो विज़िट कराते हैं आपको बेडरूम्स का। फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं अटैच वॉशरूम है, कबर्ड्स हैं, और इसी तरह से सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड मास्टर बेड के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलेगी, कबर्ड मिलेगी। और इस पोर्शन में अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 वॉशरूम हैं, और इसके साथ साथ लाइव किचन भी अवेलेबल है। और अब हम मौजूद हैं किचन में, देख सकते हैं इसका लाइव किचन है, सामने ड्राइंग रूम है और इस तरफ ये किचन अवेलेबल है, और किचन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर कैबिनेट्स वगैरह हैं, जहाँ पर आपकी किचन की जितनी भी एक्सेसरीज हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपस्टेयर और विजिट करते हैं फर्स्ट फ्लोर का। अब हम मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम में, और इस फ्लोर पर 3 बेडरूम्स हैं। बाकी बेडरूम से ये वाला बेडरूम जो है थोड़ा स्पेशियस है, इसमें आप देख सकते हैं इस साइड पे ड्रेसिंग अवेलेबल है, और इसमें कबर्ड्स वगैरह हैं, और इसके साथ अटैच वॉशरूम है, और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसमें टेरेस भी है। और अगर सेकंड बेडरूम की बात की जाए तो इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, कबर्ड है, इसी तरह से थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम और कबर्ड मौजूद है। और जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपने किचन देखा था, लाइव किचन था, इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आप देख सकते हैं लाइव किचन है, और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा ये किचन बना हुआ है। इसमें भी कैबिनेट वगैरह मौजूद हैं। अब हम मौजूद हैं रूफ टॉप पर, और आप देख सकते हैं इस साइड पे सर्वेंट क्वार्टर है, जिसका अलग से वॉशरूम है, और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इसका अलग से एक रास्ता होगा। और इस साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये एक जगह नज़र आ रही होगी, जिसमें आप अपने पेट्स रख सकते हैं, या अपनी लाइक जितने भी स्टोर के तौर पर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, घर का विज़िट हुआ कंप्लीट, इसकी तमाम डिटेल्स और फीचर्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। और इस घर की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 2,85,00,000 रुपए का है। अगर ये घर आपको पसंद आया है, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर अभी रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान, मिलते हैं कोयटा रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के एक नए प्रोजेक्ट के साथ।